हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। हमारी सुबह तो लुब्रा वैली में हो चुकी है। कल रात को पूरा बढ़िया हमने कैंपिंग की, रात तो अच्छे से नींद आई। आज तो बढ़िया, क्योंकि ऐसी ऐसी बड़ी जगह पे आज कैंपिंग की थी कि क्या व्यू था। अभी बस शुरुआत हो गई है, तो दिन की शुरुआत करते हैं चलो। और जैसे जैसे दिन चलेगा, जो जो हम करेंगे एक्टिविटीज़ वगैरह, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको सारा पूरे दिन में दिखाएंगे। वही बात दोबारा कैमरे में पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे जो हम दिखा सकते हैं। ये हमारा बाहुबली पूरे मज़े लेता हुआ सुबह के, ये सुबह से 5 बजे से उठा है और इधर उधर घूम रहा है। कभी कहाँ, कभी वो पीछे रेत पे चला जा रहा है, कभी कहाँ चला जा रहा है, पूरे मज़े ले रहा है। अभी डॉग साथ खेल के आया है, इसने पता नहीं कहाँ कहाँ की डॉग साथ खेली है। बाहु, गुड मॉर्निंग बाहु, क्या हो गया, तू कहाँ से आया अभी खेल के? पूरे मज़े ले रहा है ये। तो जस्ट अभी पेंगोंग लेक की तरफ निकल चले हैं, नूपुरा वैली से। अभी जस्ट हमने पैकिंग वगैरह करके, एक पूरा कैंप वगैरह, टेंट वगैरह पूरा पैक करके, ब्रेकफास्ट करके बढ़िया अभी निकल चले हैं। और आज हमने सबसे बड़ा काम किया जो यहाँ पे आके बड़े कम लोग करते हैं, 99% तो नहीं करते। आज हम इतने ठंडे ग्लेशियर के पानी में नहाए हैं कि पूछो मत। इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि बस कूद गए। और इसमें जाने के बाद, नहाने के बाद इतना शरीर बढ़िया गर्म हो गया कि बिल्कुल ठंड फील ही नहीं हो रही है। ठंड यहाँ पे 5 डिग्री के आसपास है, 6 डिग्री के आसपास है वैसे टेम्परेचर, लेकिन ठंड बिल्कुल भी फील नहीं हुई। नहाने के बाद अभी तक फील नहीं हो रही है, तो इतना ज़बरदस्त मतलब कि ठंडे पानी में नहाए हैं। तो मतलब कि नहाने का फ़ायदा ये है ठंडे का। ये आगे एक अभी पुल है, इसमें पूरा पूरा रास्ता गाड़ी का, अभी देखते हैं पूरी पूरी गाड़ी जाएगी, पूरी पूरी बिल्कुल साथ में पूरी टच होकर जाएगी। मतलब कि पूरा पूरा गाड़ी का रास्ता है। अभी रास्ते में खाना खाने के लिए रुके हैं, लेकिन खाने का कुछ समझ नहीं आया। आगे मैगी बनाएंगे बढ़िया, खाने का ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो वही अभी बैठे हैं। बस थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उससे निकलेंगे आगे पेंगोंग के लिए। जहाँ बाहुबली बैठता है वहीं बाहुबली के ऑडियंस आ जाती है। बाहुबली यहाँ बैठा था, इसको सारे देखने के लिए आगे सारे फ़ोटो ले रहे हैं। इसका बाहुबली का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी बैठता है दर्शक इकट्ठे हो जाते हैं।
तो लो जी, सीधा पहुंच गए हम पेंगोंग लेक में। क्या नज़ारा है, आपको क्या बता सकते हैं इसके बारे में, बल्कि शब्द नहीं है बोलने के लिए। जैसे हम गाड़ी से आ रहे थे पीछे, तो हमने देखा कि वो दूर से देखी लेक, तो ऐसे लगा कि नकली है, नकली कलर है, नकली कलर किसने डाल रखा है। इतनी ब्लू है, इतनी ब्लू है, तो विश्वास नहीं हुआ दूर से। तो अभी यहाँ पे पहुँचे तो इतनी ब्लू कलर की झील है, पूरा मतलब लेक बनी हुई है, ज़बरदस्त व्यू है, पहाड़ों के बीच में पूरी लेक बनी हुई है, क्या व्यू है ज़बरदस्त। आप पानी इसका देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, कोई भी मतलब बिल्कुल साफ पानी की दिख रहा, पूरे पत्थर दिख रहे हैं नीचे, क्या ब्लू कलर की झील है, पूरा व्यू देख सकते हैं आप, क्या ज़बरदस्त व्यू है। पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं, मतलब खुद की आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी ब्लू आज पहली बार देखी है। सी देखे हैं, काफ़ी कुछ देखा है, लेकिन इतना ब्लू पानी तो आज पहली बार देख पा रहे हैं। इतना स्काई भी जो हम आसमान मारा है, इतना ब्लू तो वो भी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा ये प्योर ब्लू कलर की झील है। मज़ा आ गया देख के, तसल्ली होगी इसको देख के। अभी पहुँचे हैं, अभी बाहु भी पूरा मस्त है, यहाँ पे खेल रहा है, लोग इसके साथ पूरा शूट करवा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और बाहु भी पूरा मस्त है, वो दिखाता हूँ आपको मैं, पूरा शूटिंग कर रहे हैं बाहु के साथ। बाहु पूरा, वो भी पूरा कोऑपरेट करता है, ऐसी बात नहीं है नहीं तो हम डॉग तो वैसे परेशान हो जाते हैं, ये पूरा कोऑपरेट कर रहा है। भाई साहब 2000 रुपये लगेगा, 2000 रुपये लगेगा। क्या झील है भाई साहब, आप जाए झील देखो एक बार, झील इतनी ज़बरदस्त व्यू है, नीला रंग है, कहते हैं थोड़े टाइम बाद इसका भी 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से, अभी धूप है तो ब्लू दिख रही है, लेकिन आसमान आप देख सकते हो और नीचे झील देखो, ये झील का कलर ब्लू इतना ज़्यादा है कि आसमान का फीका भर रहा है कलर इसके आगे, तो ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। पीछे पहाड़ देखो, बर्फ़ के पहाड़ हैं, नज़ारा आ गया देख के जी, वाह।